गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में 10 चैप्टर रीड करा था, ईश्वर का न्याय। ठीक है, हम आज इसके शब्दार्थ करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और हम क्या करेंगे ग्रामर में दीपावली का ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि दीपावली आने वाली है, दीपावली का ऐसे करेंगे इसलिए। ठीक है, शब्दार्थ रीड करते हैं। शब्दार्थ सहमना मीन्स डर जाना, सहमना मीन्स डर जाना होता ना, अगर हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करता है या फिर कुछ एकदम से बोलता है हम डर जाते एकदम से, तो सहमना मीन्स डर जाना। ठिकाना मीन्स रहने का स्थान। आवश्यकता मीन्स जरूरत। वजह मीन्स कारण। क्वार्टर मीन्स खोखला स्थान। प्रार्थना मीन्स निवेदन या विनती करते, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। असहाय मीन्स लाचार बेबस, मतलब जिसको बहुत, मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, अवश्य मीन्स जरूर। ठीक है, चलिए ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, आज की डेट है 29th October 2021। ये आपकी मौखिक है। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन आंसर से एक शब्द में उत्तर बताने। क, कोए कहाँ बैठे थे? नीम के पेड़ पर बैठे थे। ख, मैना कहाँ छिप कर बैठ गई? जब जो कोए थे, जितने भी सभी कोओं ने जब मैना को भगा दिया था, मैना कहाँ बैठ गई थी छिप कर? आम के पेड़ पर बैठ गई थी। ठीक है, छिप गई थी वहाँ पर। ग, मैना ने किससे प्रार्थना की? किससे प्रार्थना की? ईश्वर से, मीन्स भगवान से। ग, मैना क्यों सहम गई? मैना जो थी वो क्यों डर गई थी कोओं के घूरने से? क्योंकि जब मैना जब नीम के पेड़ पर बैठी आकर, पहले सबसे पहले मैना जब नीम के पेड़ पर बैठी, तो जितने भी नीम के पेड़ पर कोए बैठे हुए थे वो सब क्या कर रहे थे? मैना को घूरने लग गए थे। तो उनके घूरने से मैना क्या थी? सहम गई, डर गई। और कोए ने किसे भगा दिया? मैना को भगा दिया था। ठीक है, अभी आपके क्या है लिखित क्वेश्चन आंसर्स आ गए, इसको करेंगे। क, देखो ध्यान से सुनिएगा। क, नीम के पेड़ पर कोए क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कोए? नीम के पेड़ पर सारे कोए रात बिताने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन क्या हो रही थी, उस दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, बादल बरस रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे? मतलब बादल बरस रहे नहीं थे उस टाइम पर, मतलब काले बादल हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, होने की मतलब संभावना थी पूरी पूरी, मतलब होती ही होती। तो क्या था? नीम के पेड़ पर सारे कोए रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। ख, ख क्वेश्चन है, को ने मैना को क्या कहकर भगाया? क्या कहकर भगाया? जब मैना ने उनसे बोला कि हम मेरे जरा इस रात, ये वाली रात बिताने दो यहाँ पर नीम के पेड़ पर, तो को ने क्या कहा? को ने कहा कि यह पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक लाइन के हैं। ग, यदि मैना आम के पेड़ पर ना जाती तो क्या होता? नीम के पेड़ पर, देखा नीम के पेड़ पर जितने भी कोए थे उन सब ने मैना को भगा दिया था। ठीक है, तो मैना कहाँ भाग गई थी छिपकर? मैना भागकर कहाँ छिप गई थी? कौन से पेड़ पर? आम के पेड़ पर। ठीक है, तो आम के पेड़ पर क्या था? एक खोखला भाग था, क्वार्टर था, तो उसमें छुप गई थी, तो इसलिए वो बच गई ओलों से, बारिश से तेज। लेकिन नीम के पेड़ पर क्या था? नीम के पेड़ पर कोई क्वार्टर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सारे कोए क्या थे? बारिश जब तेज हुई, ओले पड़ने लगे, तो ओलों की मार से क्या हो गया था? जो सारे कोए थे घायल हो गए कुछ तो। ठीक है, उनको मतलब चोट लगी और कुछ मर गए। और अगर मैना भी उसी पेड़ पे होती तो क्या होता? वो भी उन कोओ की तरह या तो घायल हो जाती या फिर मर जाती। ठीक है, यदि मैना आम के पेड़ पर ना जाती तो वह भी कोओ की तरह घायल हो जाती। ठीक है, मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखवाया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। घ, कोए घायल होकर जमीन पर क्यों गिर पड़े? क्यों गिर पड़े थे? बारिश की वजह से और ओलों की वजह से। तेज बादल बरसने और बड़े बड़े ओले की मार से कोए घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। ठीक है, घायल को की बात सुनकर मैना ने क्या कहा? क्या कहा मैना ने? जब मैना नेक्स्ट डे, ठीक है, जब मैना नेक्स्ट डे उड़ रही थी आसमान में, जब मैना उड़ रही थी नेक्स्ट डे, तो जो नीचे कोए, ये देखो, ये जो नीचे जितने भी यहाँ पर घायल हैं सारे, देखो कुछ तो मरे हुए हैं और कुछ ये जो घायल हैं, उन्होंने मैना को जब बोला कि तुम कैसे बच गई बहन, तो मैना ने क्या बोला था उनको?
मैना ने बोला था कि जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं करते हैं उनकी मदद अवश्य करते हैं, ठीक है, वे उनकी मदद अवश्य करते हैं। मीन्स उसने किससे प्रार्थना करी थी, भगवान से तो प्रार्थना करी थी। अब भगवान ने क्या करा, पेड़ टूट गया था आम का, एक क्वार्टर मिल गया था उसको, बच गई, ठीक है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, हम शब्दार्थ और इसके शब्दार्थ और हम इसके क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी आर की कॉपी में करेंगे, ठीक है। और मैं आपको दीपावली करवा देती हूँ, और आपको दीपावली आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना, ठीक है। एज़ वी नो बच्चों की दीपावली क्या होती है सभी को पता है, तो हम उसी से रिलेटेड करेंगे। मैंने बस आपको 7-8 लाइंस करवाई है शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। नंबर 1, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, आपको पता है हिंदू वैसे तो सभी लोग मनाते हैं दीपावली, ठीक है। हम भी आज क्या होता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वो दीपावली मनाएगा, जो क्रिश्चियन है वो बस क्रिसमस मनाएगा, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोग, आपने देखा होगा स्कूल में भी हम क्रिसमस डे मनाते हैं, और बाहर देश, जबकि क्रिसमस डे जो होता है वो हमारा नहीं होता, क्रिश्चियंस का होता है फेस्टिवल, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग भी मनाते हैं। तो दीपावली भी ऐसा नहीं सब लोग मनाते, लेकिन जो प्रमुख त्यौहार है वो किसका है, हम हिंदुओं का त्यौहार है, ठीक है, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। सेकंड, इसे प्रकाश का त्यौहार भी कहते हैं। प्रकाश का त्यौहार क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें, आपने देखा होगा हर जगह क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, लोग दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ठीक है। थर्ड, यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। आपने अगर थर्ड क्लास ध्यान दिया हो कभी, जो दीपावली होती है, दीपावली या तो अक्टूबर में आती है या फिर नवंबर में आती है, कभी भी ध्यान देना। अभी इस बार क्या है, दिवाली नवंबर में है ना, अब नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर या नवंबर, दो में से एक मंथ ही आएगी, ठीक है, या तो अक्टूबर में आएगी या फिर नवंबर में आएगी, ठीक है। तो यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। देखो दीपावली में हम क्या क्या करते हैं हम सबको पता है, लेकिन दीपावली मनाते क्यों हैं ये हम पढ़ेंगे। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने क्या जलाए थे, दीपक जलाए थे और मिठाइयाँ बांटी थी। इसलिए उस टाइम से लेकर और अभी तक और आगे आने वाले टाइम तक लोग दीपावली का त्यौहार मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, ठीक है। क्या है, दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम, रामायण आप लोगों ने मोस्टली सभी ने सुनी होगी, देखी भी होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी नहीं सुनी तो अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, वो आपको बताएंगे, उनको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे, अयोध्या मतलब जहाँ वो रहते थे उनके अपने घर में, और इसी खुशी में अयोध्या वासियों मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने दिए जलाए थे और मिठाइयाँ बांटी थी, ठीक है। फिफ्थ लाइन है, इस दिन सभी अपने घरों दुकानों में साफ़ सफाई करते हैं, करते हैं ना हम लोग अपने दुकानों में अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं अपने आसपास। सिक्स, दीपावली की रात को दिए मोमबत्तियाँ जलाते हैं, ये भी आपको पता है। देखो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, इसलिए थोड़ी कटिंग होगी है मेरी कि हार्ड लाइन ना हो जाए, ठीक है। सिक्स, दीपावली की रात को दिए मोमबत्ती जलाते हैं। सेवन, लोग एक दूसरे को क्या बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, ये तो आपको पता ही है, मिठाइयाँ बांटते हैं और क्या करते हैं, और क्या करते हैं बच्चे, पटाखे जलाते हैं। एट, लास्ट लाइन क्या होता है, इस दिन रात में किसकी पूजा करी जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो आपको ये दीपावली का जो ऐसे ही आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है और क्वेश्चन आंसर्स हिंदी रीडर की कॉपी में, ठीक है। आज बस इतना ही, ओके, कल और आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाएगी, ओके बच्चों, थैंक यू।